सब लोग कहते हैं कि मजा आया। आप लोगों को मजा आया? मुझे तो मजा आया। मुंबई घूम के मैच देखते हैं। Good morning all. Have a wonderful day. Hello YouTube family. Good morning. जय श्री कृष्ण। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। अभी सुबह बस पूजा होके मैं सब घर में पूजा की, ये किया वो किया, सब काम थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला काम तो पूजा ही होती है, तो पूजा मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। अब सारा का सारा काम जल्दी जल्दी से मुझे स्टार्ट करना है। हेमल को सबसे पहले जगाती हूँ एंड देन उसके बाद सारा काम फिनिश करती हूँ, क्योंकि कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं, बैग ऐसे कैसे ही है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। चलिए सारा काम भी हो गया है और बेडरूम भी एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया है। अब फटाफट से नीचे किचन में जाके दोपहर का लंच बनाती हूँ। कितने दिनों के बाद आज मुझे वापस से लंच बनाने को मिलेगा अपने किचन में जाके। सो फटाफट से किचन में चलती हूँ और कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ। चलिए खाने की प्लेट एकदम से रेडी हो गई है और खाना भी मेरा बनके रेडी हो गया है। कितने दिनों के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग हमारे घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं। सो यहाँ पे प्लेट एकदम से रेडी ही है। आज मेरी फेवरेट यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाई है और खिचड़ी के साथ मैंने ग्रेवी वाली आलू की सब्जी बनाई। अब भी इसमें चमची उलड़ती और सब्जी उलड़ जाती और साथ में है गरम गरम बाजरी का रोटला और उसके साथ है सलाद जिसमें कच्ची केरी। ये क्या है मुझे वो बताओ। वो कच्ची केरी 15 दिन में पक गई। देखिए यहाँ ये कच्ची थी या आम बन गया, बट इसका टेस्ट ना खट्टा मीठा है तो मैंने सलाद में उसे ऐड कर दिया। ऑनियन टमाटर और कच्ची केरी बट थोड़ी सी पक गई है और साथ में है ठंडी बटर मिल्क। चलिए घर आते ही हमारा जो स्पेशल वाला खाना होता है वो रेडी हो गया है। अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो कुछ भी काम है वो फिनिश करेंगे। घर आने के बाद ना इतने सारे काम है कि क्या बात ही मत पूछो। 15 दिन का सब कुछ काम पड़ा है, मेरे को बाहर का और मेरे को घर का। 15 दिन बाद घर पे खाना खा रहा। यस चलिए खा लीजिए। वैसे वहाँ घर पे ही खाते थे। वहाँ तो घर पे ही खाते थे, इसीलिए तो बोली कि हमारे घर पे आके खाना खा रहे। वहाँ पे बा के हाथ का खाना खाते थे तो मुझे भी आराम मिलता था। और वहाँ पे बाजरी का रोटला नहीं बना? वहाँ पे ना बाजरी नहीं मिलती है। मुंबई साइड तो कोई बाजरी का रोटला खाते ही नहीं है, तो रोटला नहीं मिल रहा था। मेरे को गेहूँ की रोटी वगैरह होती है, बाजरी का रोटला वहाँ पे उस साइड पे कोई नहीं खाता है। बाप बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाजरी मिलती भी नहीं है। वो अगर लेनी हो ना तो स्पेशल मुंबई से मंगवानी पड़ती है। वो भी वो पता नहीं, वो फिर वो क्या बोलते हैं जो धरना करते हैं चक्की पे पिसवाते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं पीस के देते, तो वो रेडीमेड मंगवाना पड़ता है। ऐसा सब होता है तो हमारे यहाँ पे कोई नहीं खाता, तो अब हम भी नहीं खाते थे। और अभी फिलहाल यहाँ पोरबंदर आते ही सीधा बाजरी का रोटला। जब मैंने स्टार्ट किया तब तो तुम टीवी देख रही थी और अचानक से पता चल गया तुम्हें कि मैंने स्टार्ट कर दिया। कैमरा उठाया तभी पता चल गया कि अभी कैमरा मुझ पे ही आएगा। चलो अभी भूख लगी है मुझे। चलिए खाना रेडी है। सो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है। लंच करने के बाद ना तो मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिला है, इतना सारा काम था ना कि क्या बात बताऊं। और जो कुछ भी वो शॉपिंग करके लेके आई हूँ ना मुंबई से, वो भी सब आप लोगों को दिखाना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे व्यूअर्स को जल्दी रहती है कि दी आप क्या शॉपिंग करके आए हैं वो जल्दी से बताना, बट वो आप लोगों को देखना है। सो मेरी नेक्स्ट दूसरी चैनल है जो रिद्धि खोराबा, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। कल रात को 9 बजे यानी कि ये सुबह मॉर्निंग में व्लॉग आएगा, सो रात को 9 बजे वो शॉपिंग वाला व्लॉग आ जाएगा। सो वहां पे जाके विजिट कीजिएगा, चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। अभी तो फिलहाल रात वाला जो 9 वाला व्लॉग है, 9 बजे वाला, वो मैं अपलोड कर रही थी, तो बस उसी का सब कुछ यहाँ पे काम में मेरा फिनिश कर रही थी। और बैग्स आधे ओपन मैंने कर लिए है, सब आधा सामान निकाला है, वहां पे सब कुछ है, क्या है वो उस व्लॉग में ही पता चलेगा। चलिए तो जल्दी जल्दी से काम फिनिश करती हूँ अपलोडिंग का एंड देन उसके बाद मुझे रेडी होकर मार्केट भी जाना है 1-2 चीजें लेने के लिए। सो मार्केट भी जाऊंगी और साथ साथ में ना दूसरा भी बहुत सारा काम है। सो पहले मेरा अपलोड का काम फिनिश कर लेती हूँ और हाँ फिर शाम के टाइम की पूजा भी करनी है क्योंकि 7:30 बज गए हैं। जल्दी जल्दी से सब काम मैनेज करना पड़ता है। जैसे ही पोरबंदर आए ना तो बिजी शेड्यूल वापस से स्टार्ट हो गया। 15 दिन वहां पे कैसे चले गए ना पता ही नहीं चला। इतना एंजॉय किया, इतना मजा आया मुंबई घूमने में। मुंबई आप एक वो कहते हैं ना, एक साल भी पूरा घूम लेना फिर भी ऐसा ही लगेगा कि मैंने अभी भी मुंबई नहीं पूरा कम्प्लीटली घूमा।
तो वहाँ पे इतनी सारी चीजें देखने के लिए है। सो कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब दूसरी दूसरी सब चीजें देखने जाएंगे और बहुत ज्यादा वापस से एंजॉय करेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे आ गए हैं, सो यहाँ का हमारा जो काम होता है, हमारा डेली रूटीन होता है, उसे कंटिन्यू करते हैं और काम को जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं। सो शाम की पूजा मेरी हो गई है और अभी मुझे अमन का कॉल आया और मैंने भी अमन को कॉल किया था। पहले उसका या मैंने उसे किया था वो मैं भूल गई हूँ। क्या क्या बोल रही हो? कुछ भी। आप जा रहे हैं ना लेने? सो हेमल जा रहे हैं अमन को लेने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि ये जो हम लोग मुंबई से शॉपिंग करके आए हैं वो सब मुझे ना ओपन करनी है। सो अमन को तो उसमें वो कहना चाहिए ही, उसने पहले ही बोला था कि जब ये सामान पूरा ओपन होगा ना तो मुझे आना ही है। तो इसीलिए अमन को हेमल लेने के लिए जा रहे हैं। हेमल चाहिए, जल्दी जल्दी से लेकर आइए, वो रेडी है। रेडी है वो कहते हैं ना गुजराती में, वाट जो रहा है जल्दी आने के लिए। कि मैं जल्दी जल्दी से आ जाऊं यहाँ पे, क्योंकि वो एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मेरी जैसा ही ना मेरा भाई है, इसलिए क्योंकि जल्दी से ओपन करना है हमें। कि इतनी सारी अलग अलग दिन पे वो शॉपिंग की है ना, तो हमें भी याद नहीं है कि हमने क्या क्या लिया है। अभी वो भी मालूम नहीं है। ये सही बात है, क्योंकि अलग अलग दिन पे लिया है, सब बैग में रखते जा रहे थे, तो हमें भी थोड़ा सरप्राइज मिलेगा कि ये भी लिया था। चलिए तो आप अमन को लेके आइए, ठीक है? मैं ना कब से वेट कर रही हूँ हेमल और अमन का, कब से गए हैं हेमल लेने, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग आ गए हैं और वही लाइट ऑन करो। नहीं करनी मुझे लाइट ही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाय अमन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कलाक से गए थे, कलाक के बाद आए, इतना टाइम तो क्यों लगता है? अबे उसे लेने गए थे, फिर वापस आए और थोड़ी देर रुके थे। क्यों? काम ठंडा वंडा पिया। तो मेरे लिए लेके आना चाहिए था ना अमन? नहीं, मैं चाह रहा है इसलिए आज अमन का डोका ही नहीं हटेगा। मैं भी वही देख रही थी। हाँ, फोन में भी देख रहा है। मैं बोला क्या देख रहा है? वो बोला मैच है ना, आज इंडिया का, इंडिया का मैच है। यस। किसके साथ है अमन? यूएसए। यूए बोल रही थी। यूएसए और यूए में क्या फर्क है? लंदन अमेरिका। इससे अच्छा है पूछिए मत मुझसे, उन लोगों को भी ऐसा लगेगा कि ये कौन आ गया है। दुबई और अमेरिका। यूए कौन सा है? यूएई दुबई, और यूएसए का मतलब होता है अमेरिका, और यूके का मतलब होता है लंदन। वो कभी कभी मिक्सिंग हो जाता है तो भूल जाती हूँ, क्योंकि उसके मेन नाम मुझे याद है, यूए और वो सब यूके, उसमें घोटाला हो जाता है, तो कभी कभी चलता है, उसमें नो प्रॉब्लम। चलिए अभी जिस काम के लिए अमन यहाँ पे आया है उसके लिए मैं एकदम से रेडी ही हूँ। तो खरीद हो जाए, बैठ क्यों तट पर? वो बिठा है तो बैठी गई, खड़ी नहीं हुई, तट पर ही खड़ी हूँ कि जल्दी जल्दी से हम लोग हमारे बैग को ओपन करें और जल्दी जल्दी से देख ले कि क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं। अमन कितने एक्साइटेड हो? नहीं हूँ। तो जा वापस घर पे, बाय बाय, अब जो अब सामने नहीं गली में थी, जता रहे जो बोल रहा था। सुबह अमन मुझे ट्रेन में ही बोल रहा था कि बैग जल्दी खोलना, तू अठवारिया के बाद बैग मत खोलना, इसलिए मैंने इस बार सोचा कि चलो जल्दी बैग खोल लेते हैं और सबको चीजें देनी है वो भी दे देंगे। चलिए तो अभी व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि क्या क्या सब हम लोग मुंबई से शॉपिंग करके आए हैं वो सब कुछ आप लोगों को मेरे नई चैनल है रिद्धि खोरावा, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो जल्दी जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली रात को 9 बजे वहाँ पे व्लॉग आता है, सो देखना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारी मुंबई की शॉपिंग कैसी लगी वो भी उस व्लॉग में, इस व्लॉग में सब में कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे भी मुंबई की जर्नी कैसी लगी वो तो बता ही सकते है ना, सब लोग कहते हैं कि मजा आया। आप लोगों को मजा आया? मुझे तो मजा आया। मुंबई घूम के मैच देखते हैं। तुम्हारे भी फर्स्ट टाइम था? यस, मैं तो गई थी पर छोटी थी। अच्छा। बहुत ज्यादा ही छोटी थी।
इसलिए तब तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा होगा। वो आप गए वही काफी था। क्या स्टैंडर्ड में बोल रहे हो? फर्स्ट एक नंबर कुछ मालूम है, याद वाद है सब कुछ? हाँ सब याद था, ट्रेन में गए थे हम, गए थे तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कार लेके यहाँ से, पर वहाँ पे सब ट्रेन में घूमे थे, सब याद है, वो बाद में बताऊंगी। चलिए ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। लोग मैच देखने में कितने मशगूल है देखिए। Deep in the shadow.